नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। जेएससी टाइपिंग से रिलेटेड कई बच्चों की क्वेरी थी कि सर अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन रिलीज नहीं किया गया है केवीएस के द्वारा कि टाइपिंग में जो है टाइम कितना होगा, उसके बाद से सीपीटी जो होगा उसका टाइम शेड्यूल कितना होगा, ये सब कुछ भी डिटेल नहीं दिया गया है। और जो बच्चे खासकर सबसे ज्यादा परेशान हैं वो पीएच के ओएच कैंडिडेट परेशान है, क्योंकि साफ साफ नोटिस में लिखा गया था कि ओएच वाले कैंडिडेट का टाइपिंग नहीं होगा अगर उनके सर्टिफिकेशन में ये लिखा गया है कि वो राइटिंग के लिए मतलब टाइपिंग के लिए एलिजिबल नहीं है, तभी उन्हें कंसिडर टाइपिंग के लिए नहीं किया जाएगा। अब रही बात, तो सीपीटी तो उनको देना ही देना है, तो कुछ भी एक तरह से नोटिस आना चाहिए था। सीपीटी हुआ चाहे टाइपिंग का एक मॉक आना चाहिए था कि हाईलाइट होगा कि नहीं होगा, जैसे मैक्सिमम कई एग्जामों में होता है। और इसी की अगर बात किया जाए कि केवीएस का अगर पिछला हम इतिहास देखें तो पिछली बार जैसे में जो आपका एक तरह से मॉक टेस्ट आया था उसमें आपका सीपीटी पहले हुआ, उसके बाद से आपकी टाइपिंग हुई, तो उस प्रकार का कोई भी नोटिस अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। लेकिन हो सकता है कि अब रिलीज किया जाए, जो भी आपके पास 5 दिन बचे हुए हैं तो देखिए आता है नहीं आता है। नहीं आता है तब आपको क्या करना है, आ जाए तो फिर उसी बेस पर आपको तैयारी करना है। नहीं आता है तो उसके लिए मैंने आपको एक डिटेल वीडियो बनाया है कि जो प्रीवियस है उसी पैटर्न को फॉलो करिए, क्योंकि केवीएस आपका उसी पैटर्न पे कराएगा। अब रही बात ओएच कैंडिडेट के लिए, इनके लिए क्या होता है कई डिफरेंट एग्जामों में आपके ईमेल किया जाता है कि आप इस फॉर्मेट में लिखवा के लाइए कि आप टाइपिंग के लिए असमर्थ हैं, जो भी चीजें हो, ठीक है, जिला चिकित्सालय से। लेकिन अभी यहां पर कुछ भी नहीं आया है, तो यहां पर यह चांसेस बनता है कि अगर आपको लास्ट तक नहीं आता है तब आप क्या करोगे। तो सबसे बड़ी बात कि आपको जो आपका सर्टिफिकेट है फिजिकली हैंडीकैप का, उसे तो आप जरूर लेकर जाइएगा टाइपिंग में, ठीक है। और उसमें आपका जो टाइप, एक बार आप लोग सर्टिफिकेट देख लेना। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिखाया था, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, और पीएच हो, एनओसी वाला फॉर्मेट भी दिखाया था, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट भी दिखाया था। तो उसी फॉर्मेट में आप ध्यान से देखोगे तो साफ साफ जिक्र किया गया है, अगर आपका उस फॉर्मेट में पीएच कैंडिडेट का सर्टिफिकेट बना हुआ है तो जाहिर सी बात है हमें लग रहा है अगर नोटिस ना देने का कारण यही है कि वही मान्य होगा, उसी सर्टिफिकेट को देखकर ही आपकी टाइपिंग नहीं ली जाएगी। तो चलिए मैं आपको वो सर्टिफिकेट दिखा दे रहा हूं, वो सर्टिफिकेट बहुत पहले भी इशू हो चुका है, इस पर मैंने वीडियो भी बनाया। तो ये आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट था, ये आपका एसटी का था, आप लोग बनवाए होंगे, सेंट्रल के फॉर्मेट पे बनता है, ठीक है, सेंट्रल स्टेट दोनों इसका सेम होता है, बस ओबीसी का जो है ना सेंट्रल फॉर्मेट होगा, क्योंकि ओबीसी में क्या होता है कुछ कास्टें जो होती हैं सेंट्रल के लिस्ट में होती हैं और कुछ स्टेट में होती हैं, तो ऐसा कुछ होता है कि स्टेट वाले सेंटर में नहीं होते हैं, तो इसलिए उनका अलग से बनवाना पड़ता है। एससी एसटी आपका कहीं से भी चल जाएगा, ओबीसी आपका सेंट्रल का होना चाहिए। उसके बाद से अगर हम बात करें यहां पर ईडब्ल्यूएस का, आप देख लोगे यहां पर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है ये आपको मैंने डिटेल में बता रखा है। रही बात यहां देखो पीएच वाला, ये मैं थोड़ा सा डिटेल आपको यहां पर आपको क्लियर करा दे रहा हूं, ये सर्टिफिकेट के सब फॉर्मेट है, आपको पीडीएफ पाना होगा ना तो परीक्षा प्लस का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको मिल जाएगा, ऑलरेडी आपका उसी फॉर्मेट पे बना होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है लास्ट टाइम पे। अब बस मैं आप लोगों को ये क्लियर करने आया हूं कि जो बच्चे पीएच वाले हैं कई बार मतलब दिन भर में 3-4 बार तो फोन कर ही देते हैं, सर अभी तक कुछ भी आया नहीं हमारे लिए, ओएच वालों के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आया, तो आप लोग एक बार अपना सर्टिफिकेट चेक करना, अगर आपका इसी फॉर्मेट पे बना होगा, बोला ना सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन, तो यहां पे साफ साफ देखो लिखा हुआ है कि ही सी हैज फिजिकल लिमिटेशन विच हैम्पर्स हिज हर राइटिंग, ठीक है, कैपेबिलिटीज, तो यहां पर यह चीज जिक्र की गई है। तो एच वाले में आपका जैसा होगा जितना परसेंट होगा उसके अकॉर्डिंग वहां जिक्र किया गया होगा, और साफ साफ अगर नहीं है आपका इस फॉर्मेट में तो आप एक काम करना, अपने सेफ्टी के लिए आप लोग वहां पे जाना और इसी फॉर्मेट में डॉक्टर साहब से मतलब जिला चिकित्सालय पे जाना, चाहे यही लिखवा के इसी फॉर्मेट पे एक A4 साइज ले लेना, सेम इसी फॉर्मेट को आप लोग छपवा लेना, क्या करना आप प्रिंट या साइबर कैफे जाना और इसी जो फॉर्मेट है इसकी एक कॉपी निकाल लेना, और इसके बाद इसको लेकर आप जाना, लेके जाना मेडिकल आपका जो जिला चिकित्सालय होगा वहां पे सीएमओ का जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है उनका जो है मुहर लगवा देना, अगर नहीं मौजूद रहते हैं तो यहां साफ साफ बोला गया है डैश सिविल सर्जन मेडिकल सुपरिटेंडेंट, किसी का भी सिग्नेचर चलेगा,
टीसीएमओ का लग जाता है तो बेटर ऑप्शन है, ठीक है, वही सब उसके बाद से गवर्नमेंट हेल्थ एंड इंस्टीट्यूशन नेम और डेजिग्नेशन ये सब चीजें, उसके बाद से सील और मुहर लग जाएगा, साइन हो जाएगा, तो वो आप सर्टिफाइड हो जाओगे कि आपको टाइपिंग नहीं देना है, ठीक है। तो आप लोग के पास अगर जो सर्टिफिकेट है, बाय द वे हो सकता है कई लोग अलग अलग राज्य से हैं तो अलग अलग तरीके से बनता है, तो वो कंटेंट ना लिखा हो तो आपको क्या करना है, इसको पूरा का पूरा कॉपी करना है, मतलब प्रिंट निकालिए और यहीं पर सिग्नेचर करा लीजिए, एक सेफ्टी के लिए आप रख लीजिए। नहीं तो एक तौर पे देखा जाए कि जो आपके पास सर्टिफिकेट है आपका पीएचओएच का ना, वही आपके लिए वहां पर चेक किया जाएगा, उसी के बदौलत कर दिया जाएगा कि आपको टाइपिंग नहीं देना है। क्योंकि अभी तक कोई भी आप लोगों को ना मेल आया है, बच्चे से मैंने पूछा, ना कोई मेल आया है, ना ही केवीएस की तरफ से कोई नोटिस आई है। अब हम लोग थोड़ा सा शिफ्ट होते हैं कि आपके टाइपिंग का क्या होगा, एक्यूरेसी के लिए क्या बोला जाए, बच्चे सबसे ज्यादा यही पूछ रहे हैं, हर बार पूछते हैं सर एक्यूरेसी क्या करें। मैंने बोला कि आप एक्यूरेसी 97% बना के रखो, ठीक है। आप जो भी टाइपिंग जिस भी सॉफ्टवेयर पे कर रहे हो, सोनी टाइपिंग पे कर रहे हो, इंडिया टाइपिंग पे कर रहे हो, तो उस टाइपिंग पे लास्ट पे जो आपका मैसेज आता है ना, तो वहां ग्रॉस स्पीड और नेट स्पीड, इसकी भी कई क्वेरियां हैं आपकी, तो ग्रॉस स्पीड तो आप जो गलत सही जो भी टाइप किए हो विद इन ए टाइम वो आपको दे देता है, लेकिन नेट स्पीड क्या होगा, नेट स्पीड आपका जहां पे पहले से नोटिस नहीं दिया जाता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी मानी जाएगी। ध्यान देना, किसी एग्जाम में ऐसा, जैसे मान लो एसएससी यूसीएससी की जो टाइपिंग होती है उसमें ये दिया नहीं जाता कि एक्यूरेसी आपकी कितनी मानी जाएगी, वहां जो टाइपिंग स्पीड है ना, मान लो 35 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड है, तो ये आपकी स्पीड कब कौन सी देखी जाती है, वो नेट स्पीड देखी जाती है, ठीक है। क्योंकि आपका जो वहां पे कुछ भी नहीं दिया, आपकी एक्यूरेसी इतना मेंटेन करना है, चाहे माइनस मार्किंग, ऐसा हाई कोर्ट में जैसे माइनस मार्किंग होता है आरओ वाले में, तो ये सब चीजें नहीं दिया है, तो आप इतना मान के चलो कि आपकी जो ग्रॉस स्पीड आती है और एक नेट स्पीड आती है, नेट स्पीड आपकी गलत उलत होने के बाद जो पड़ता है ना आपकी, वो नेट स्पीड होता है। तो आपको क्या करना है, आपको ये नेट और से कोई मतलब नहीं है, आपको ये 35 सुपर, वो तो मैं कहा 35 तो बाउंड्री पे तो कभी रहना नहीं है, आप सब लोग इतने दिनों से टाइपिंग कर रहे हो, ये जिसकी इतनी स्पीड आ रही होगी तो बहुत दिक्कत में होगा भैया, जिसकी ये 45 आ रही है ना, तो उसको ना ग्रॉस से मतलब है और ना ही नेट से मतलब है, बस ये ध्यान से टाइपिंग करना, एरर कम करना, क्योंकि जब एरर ज्यादा होगा तो ये आपका कम हो जाएगा, नेट स्पीड कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो ये 35 से जहां कम गया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, इसीलिए अभी तक कोई नोटिस नहीं आया, तो ये ध्यान रखना कि कम से कम, इसीलिए मैंने आपसे पहले, आप लोग एक्यूरेसी पूछ रहे थे, हम कह दिए कि 97.3% बस आपको हम दे रहे हैं कि 3% आप गलती कर सकते हो, लेकिन 97% चांस है कि आप 97% एक्यूरेट करिए अपनी टाइपिंग, ठीक है। अब रही बात टाइमिंग क्या है, आप लोगों को अभी भी टाइमिंग का भी इशू है कि सर कितने मिनट का होगा, 5 मिनट का होगा, कंटेंट क्या होगा, तो आपका जो 10 मिनट की ये टाइपिंग होगी ओवरऑल, मान के चलो ये 10 मिनट का होगा, और 10 मिनट में अगर हम बात करें 35 वर्ड माना है, तो यहां पर ध्यान दो 350 वर्ड हो गया, और 10-15 वर्ड और जोड़ लो एक्स्ट्रा, तो 370 के अप्रोक्स आपका वर्ड रहेगा आपके पैराग्राफ में। अब रही बात हाईलाइट वाली प्रॉब्लम कि सर हाईलाइट होगा कि नहीं होगा, एरर अगर कोई वर्ड में हो जाता है तो वो रेड होगा कि नहीं होगा, वो मैंने डिटेल में आपको वीडियो बनाई थी, जैसा प्रीवियस केवीएस ने कंटेंट दिया था सीसीएस को टाइप कराने के लिए जो भी, क्योंकि दोनों के जो है एक तरह से बोला जाए कि दोनों मिलकर ही पेपर को कंडक्ट कराते हैं, वो अपना कंटेंट देंगे, जो भी होगा सुझाव देंगे, तभी एजेंसी उसको कराती है, तो यहां पर भी ऑलमोस्ट यही चांस है कि अगर अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है तो पिछला जो एक तरह से इनका रहा है उसी के अकॉर्डिंग ये एनटीए को कहें कि इसी तरह से आप कराइए। तो मेरे हिसाब से आप लोग पिछला वाला एक बार देखे होंगे, उसको मैंने वीडियो में डिटेल में बताया भी है, बाकी अभी जो 2-4 दिन है उसमें देख लीजिए कुछ मॉक लिंक आती है या नहीं आती है, लेकिन उसके लिए आप तैयार रहिए कि 10 मिनट आई आपको मिलेगा, टोटल आपके पास 60 मिनट का रहेगा, जिसमें से ये ध्यान रखिए कि 60 मिनट का टाइमिंग रहेगा जिसमें आपको सीपीटी भी देना है और टाइपिंग भी देना है, और बीच में रेस्ट भी रहेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, बीच में रेस्ट भी रहेगा। तो उम्मीद है सबकी तैयारी अच्छी होगी, तो बहुत मेहनत से जिनकी टाइपिंग थोड़ा सा भी कम आ रहा है लगातार लगे रहिए, आपके पास 24 घंटे हैं, तो सीपीटी तो क्लियर हो जाएगा। पिछला मैं इतिहास दिखाऊंगा एक वीडियो में कि सबसे ज्यादा बच्चे टाइपिंग में फेल हुए थे, सीपीटी में बहुत ही अच्छे मार्क्स सबके आए थे, तो जो लोग तैयारी कर रहे थे अपनी सीपीटी की तैयारी बरकरार रखिए, क्वेश्चंस करते जाइए, टेस्ट हमारे द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है, आप परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल करके वहां पर टेस्ट दे सकते हैं, बाकी टाइपिंग आपके हाथ में है,
जितना परफेक्ट आप रोज करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना ही परफेक्ट आपकी टाइपिंग स्पीड पहुंच जाएगी। तो ये आपके सवालों के जवाब हो गए जो जो आप लोग बार बार पूछ रहे थे। तो पीएच कैंडिडेट वाले जो हैं वो आप लोग ये ध्यान रखिए, अपना सर्टिफिकेट जरूर लेके जाइएगा जिस दिन आपकी टाइपिंग है, और जिसके सर्टिफिकेट में ऐसा कुछ फॉर्मेट नहीं है वो इसी को प्रिंट करा के और सीएमओ या सर्जन जो आपके जो हेड सर्जन होंगे उनसे सिग्नेचर और सील मरवा लीजिएगा, वो आपका चल जाएगा। तो उम्मीद है आपके जो समस्याएं हैं उसका समाधान हुआ होगा। अगर आपको इसके बाद भी कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई प्रश्न है तो आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान हो। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।